नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर की कमी के बीच कोरोना की दूसरी लहर लगातार भयानक होती जा रही है। बीते दिनों देश में 2.94 लाख से भी ज्यादा केस मिले हैं। इस दौरान 2020 लोगों की भी मौत हुई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना की मार झेल रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हेल्थ सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। कोरोना मरीज दवा और ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहे हैं और डॉक्टर भी लाचार हो चुके हैं। इस बीच इंफेक्शियस डिजीज फिजिशियन डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर तृप्ति रोती हुई कह रही है, बहुत सारे डॉक्टर की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुंबई की हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी है। यहाँ के अस्पतालों में आईसीयू की जगह नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले भी ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। हम असहाय है। मौजूदा स्थिति में इमोशनल ब्रेकडाउन हम सभी डॉक्टरों में भी कहीं ना कहीं हो रहा है। इसीलिए अपना ख्याल रखें और खुद को सुरक्षित रखें। वीडियो में डॉक्टर तृप्ति का कहना है, आपको पिछले एक साल में कोरोना नहीं हुआ है, आपको लगता है कि आप सुपर हीरो हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो आप गलत फहमी में हो। हम लोग 35 वर्ष के युवाओं को देख रहे हैं जो वेंटिलेटर पर है और उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। आप सभी को भी अपना पूरा ध्यान रखना है। घर से बिना वजह बाहर ना निकले और जाना इतना ही आवश्यक है तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि आपके साथ साथ आपके परिवार को भी इसका भुगतान भुगतना पड़ सकता है। फर्स्ट, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। आई मीन वी हैव अ 35 ईयर ओल्ड हुज ऑन द वेंटिलेटर एंड वी आर नॉट एबल टू हेल्प पीपल नाउ। सो वी डू नॉट वॉन्ट, वी रियली डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू बी इन दैट सिचुएशन। सो सॉरी, वी आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में, अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट बीन सो हेल्पलेस। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। राइट नाउ कोविड इज एवरीवेयर अराउंड यू। ओके, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, मे बी यू आर मीटिंग योर फ्रेंड्स, मे बी यू आर मीटिंग योर फैमिली, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू बी मास्क्ड। ओके, जस्ट बिकॉज आपको अभी एक साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहां तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन। गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में